आज से करीब 47-48 साल पहले यानी 1970-71 में एक डॉलर 7 रुपया 50 पैसे हुआ करता था, जो आज 2018 में एक डॉलर 72 रुपया 18 पैसे हो गया है। अब भविष्य में एक डॉलर 100 रुपये से भी अधिक हो सकता है। जिस तरह से लगातार डॉलर रुपए पे भारी पड़ रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो विदेशी वस्तुएं हमारे देश में खरीदने पर भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ज्यादातर लोग विदेशी कंपनियों की तरफ आकर्षित होंगे। हमारे देश में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादातर घटती जाएगी। सबका एक ही कारण है, भारत के नेताओं की गंदी राजनीति। आज हर जगह गंदी राजनीति की चर्चा होती है। खुद जो राजनीति करने वाले नेता होते हैं, हमारे सामने अच्छी बातें बोलेंगे कि राजनीति बहुत गंदी चीज है, जिससे आम लोगों का ही नुकसान होता है। वे आपको वादा भी करेंगे कि भ्रष्टाचार को इस भारत से जड़ से उखाड़ फेंकना है, लेकिन आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, ये बातें सभी लोग जानते हैं। जो नेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, दरअसल इन सब का जड़, इन सब का कारण वही है। हमारे पीठ पीछे वही व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। हमारे देश में कोई निस्वार्थ और देश प्रेमी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजपाल बनता भी है, लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे जाते हैं। अगर वो गरीबी दूर करने के लिए अगर कोई राशि गरीबों को आवंटित करने के लिए भेजते हैं, तो उससे जुड़े जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं वो आधा से ज्यादा पैसा बचा लेते हैं। नतीजा गरीबी वहीं का वहीं रह जाती है। किसान और बेरोजगार युवक आज भी हमारे देश में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इसलिए दोस्तों, इन सब नेताओं के भावुक बातों में ना आए, वो आपके दरवाजे तक जरूर आएंगे और आपको तरह तरह के वादे करेंगे। आप खुद से समझदार बने, इन्हें कोई सबक सिखा सकता है तो वो आप है, वो हम है, लोग ही है, वो भी इलेक्शन में कुर्सी पाने के लिए वो हमारे दरवाजे तक बिल्कुल आएंगे। अगर दोस्तों ये वाकई में जड़ से खत्म हो गया तो हमारा देश क्या होगा? हमारा देश एक नया भारत बन जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। हमारे देश में रोजगार के अवसर पनपने लगेंगे। हमारे देश का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रह पाएगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रह पाएगा। लोग गंदी राजनीति छोड़कर एक ईमानदारी का जीवन जीने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और एक बार अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो किसी भी देश की करेंसी हो, चाहे वो डॉलर ही क्यों ना हो, हमारे रुपए पे भारी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसे ही लोगों को जागरूक करने वाली वीडियो बनाता रहूंगा। क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी है, और जिस दिन लोग अधिक जागरूक हो जाएंगे, उस दिन मैं ये वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियोस पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।